क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बहुत अच्छी खबर आई है इंडिया के लिए। ओलंपिक्स में इंडिया ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और वो भी जीता है शूटिंग में। तो शूटिंग में स्वप्निल कुसाले ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब शूटिंग में एक तरह से हैट्रिक लगी है ब्रॉन्ज मेडल्स की ओलंपिक्स में। पहला जो ओलंपिक्स में मेडल था वो मनु भाकर ने दिलाया, दूसरा जो था मनु भाकर और सर्वजीत सिंह की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में जिताया है उन्होंने, और तीसरा आज स्वप्निल कुसाले ने जिताया है। बता दें कि स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर थ्री पोजिशनल राइफल शूटिंग में की कैटेगरी में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में शूटिंग में ये वाला ब्रॉन्ज जीता है। तो बहुत शुभकामनाएं स्वप्निल कुसाले को, ना सिर्फ स्वप्निल कुसाले को, उनके परिवार वालों को और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बता दें कि स्वप्निल कुसाले 28 साल के हैं और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव से आते हैं। इनके जो पिताजी हैं टीचर हैं और इनकी माताजी हैं जो गांव की सरपंच हैं। तो जैसे इनको शुरू से ही ना खेलों में रुचि थी, तो तभी इनकी माताजी ने नासिक स्पोर्ट्स एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया स्वप्निल को। तो स्वप्निल ने वहाँ पर शूटिंग चुना और बचपन से ही और अब तक शूटिंग से ही जुड़े रहे। आपको बता दें कि जो स्वप्निल है पुणे में रेलवे में नौकरी करते हैं और वहीं से उन्होंने अपना नौकरी करते करते और यहाँ पर पहली बार ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक मेडल भी जीत लिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में स्वप्निल ने बताया कि हमारा, आपको पता ही है, उन्होंने बोला कि शूटिंग जो है एक बहुत ही कॉस्टली यानी कि महंगा गेम है, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मेरे पिताजी उसकी शूटिंग के लिए जो बुलेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, उनके ये एफर्ट कर सके, क्योंकि बहुत महंगा गेम है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने बैंक से कर्जा लेकर जो होती है बुलेट खरीदी, तो वो बुलेट की कीमत उस समय 120 रुपए थी एक बुलेट की कीमत, और देख लीजिए आज उन्होंने पूरे का पूरा कर्जा अपना उतार दिया है, कर्जे समेत अपना कर्जा उतार दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शूटिंग में इंडिया के लिए, और शूटिंग में इस बार तो हद मजा आती है। जैसे पिछले ओलंपिक्स में आपने देखा था या फिर रेसलिंग या बॉक्सिंग या फिर बैडमिंटन होता था ना, और लेकिन इस बार ओलंपिक्स में हमारे शूटिंग ने सबका नाम रोशन कर दिया है। तो फिलहाल यही खबर थी ओलंपिक्स में, मेन खबर जो आज मेडल जिता पाए हमें, और जो आज का जो खेल हुआ है उसकी जो खबरें हैं, क्या इवेंट्स हुए, किसने जीता किसने हारा, वो सब आपको थोड़ी देर में मैं रिव्यू बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी खबरें जानने के लिए। ओके बाय।